गुजरात में मॉनसून सक्रिय होने के साथ छोटा उदयपुर जिला में भारी बारिश ने आगमन किया है, जहां जीवन डोर समान वैसी औरसंग नदी अपने उफान पर बहते हुए दोनों किनारे बहने के साथ एक अलग ही माहौल देखने को मिला था। गुजरात राज्य में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय होते हुए छोटा उदयपुर जिला में इसकी सबसे ज्यादा असर देखने को मिली थी, जहां जल्द सुबह से ही कभी धीमी तो कभी तेज धार के साथ बारिश ने आगमन करते हुए छोटा उदयपुर जिला में सर्वत्र एक अलहदक माहौल देखने को मिला था। सबसे ज्यादा छोटा उदयपुर और बाद कवाट में 1.5 इंच बारिश दर्ज किया गया है। दो दीनों से जारी वैसी लगातार भारी बारिश की सीधी असर छोटा उदयपुर जिला की जीवन डोर समान वैसी औरसंग नदी में नए नीर यानी कि जल स्तर में बढ़ावा होते हुए अपने उफान पर बह रही है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की सीधी असर औरसंग नदी में नए नीर का बढ़ावा किया है, तो वही नए नीर की आमदनी के साथ छोटा उदयपुर का भी डैम ओवरफ्लो होते हुए यहाँ पर एक कुदरती दृश्य देखने को मिले थे। जीवन डोर समान वैसी औरसंग नदी में उफान पर बहते हुए दोनों किनारे बहने के साथ स्थानीय ग्रामीण विस्तार के लोगों को सतर्क और सावधान करने के साथ विद्यार्थियों को शाला से छुट्टी दे दी गई थी, तो वहीं गांव के लोगों को शाला में स्थलांतरित करने के लिए भी वहीवटी तंत्र ने सूचनाएं दी है। जहाँ औरसंग नदी में नए नीर की आगमन के चलते अब छोटा उदयपुर जिला में आने वाली गर्मी की ऋतु में काफी राहत की सांस मिलेगी, वैसी लोगों में आस लगाकर बैठे हैं।